राहे पुरखार पे चल चल के मशक्कत की है। यासू भाई समाज फोनाइएगा। राहे पुरखार पे चल चल के मशक्कत की है, दी की इस तरह से सज्जाद ने नुसरत की है। दी की इस तरह से सज्जाद ने नुसरत की है, तो ये वो बादल है जो गरजा भी है बरसा भी है। ये वो बादल है जो गरजा भी है बरसा भी है। मसलहत जैसी थी बस वैसी इमामत की है। मसलहत जैसी थी बस वैसी इमामत की है। मैं बिरादर मोहतरम जनाब जिना जफरावाली साहब से आवाज़ दे रहा हूँ। आए देखिए तो हुस्न तस्वीर वफ़ा अब्बास है। देखिए तो हुस्न तस्वीर वफ़ा अब्बास है। और सोचिए तो एक मुकम्मल करबला अब्बास है। सोचिए तो एक मुकम्मल करबला अब्बास है। मतलब बतौर खास दो मिसरों वकील साहब, सोचिए तो एक मुकम्मल करबला अब्बास है। तो कहती थी ज़ैनब मोहम्मद के नवा से पर कभी, कहती थी ज़ैनब मोहम्मद के नवा से पर कभी, रे आँच आ सकती नहीं जब तक मेरा अब्बास है। आँच आ, कहती थी ज़ैनब मोहम्मद के नवा से पर कभी, आँच आ सकती नहीं जब तक मेरा अब्बास है। और एक मतला और दो तीन शेर एक मिसरा हुआ था, चलिए पढ़ें वफा का कसीदा लबे फुरात। सरकार मतला हाजिर करता हूँ। डूबा गुरूर लश्कर आदा लबे फुरात, डूबा गुरूर लश्कर आदा लबे फुरात, रे अब्बास का जलाल जो उभरा लबे फुरात, डूबा गुरूर लश्कर आदा लबे फुरात। और शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं कि फौजे सितम में शोर है अब घाट छोड़ दो, फौजे सितम में शोर है अब घाट छोड़ दो, अरे वो आ रहा है शेर अली का लबे फुरात, डूबा गुरूर लश्कर आदा लबे फुरात। और सिर्फ दो शेर क्योंकि हमारे ज़ुहैर भाई बैठे हुए हैं। अब्बास के कटे हुए शानों का नूर है, अब्बास के कटे हुए शानों का नूर है, अरे या है कलीम का यद बैजा लबे फुरात, डूबा गुरूर लश्कर आ
دال بے فرات. پورا کلام کسی اور مجلس میں. آخری شعر کی بھی پوری توجہ حضرات کہ بیٹھی ہے بال کھولے زلیخا تشنگی. سرکار بطور خاص بیٹھی ہے بال کھولے زلیخا تشنگی. ارے ہے مہ وے خواب یوسف زہرا لبے فرات ڈوبا. بیٹھی ہے بال کھولے زلیخا تشنگی ہے مہ وے خواب یوسف زہرا لبے فرات.